सुपर एशिया रूम कूलर। सुपर एशिया पाकिस्तान की चंद पुरानी कंपनियों में से एक कंपनी है, बहुत अच्छा ब्रांड है, वॉशिंग मशीन बनाते हैं इस तरह की और चीज़ें, और कूलर में तो बहुत ही महारत हासिल है। मुझे याद है हमारा भी जो पहला कूलर मेरी वालदा के जहेज के बाद हमने ख़रीदा था, इससे कोई 15-16 साल पहले, 17 साल हो गए गालिबन, वो भी सुपर एशिया का ही था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फैसल शाह, आप देख रहे हैं वाओ डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे समझे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सुपर एशिया एयर कूलर आजकल बहुत इन है, इसके 4-5 किस्म के जो मॉडल्स आए हुए हैं। इसमें मेन एक चीज़ अच्छी थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा, फिर एंड पे फैसला आपने करना होता है, आपने लेना है या नहीं। सबसे पहले नाज़रीन, ये स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन चार्ट है ये ए से लेके जी तक इसकी रेटिंग होती है, जिसमें कि अगर आपकी रेटिंग ए है या बी है या सी, यानी जितनी ए के करीब है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपकी बिजली कम खा रही है, और जितनी उसकी रेटिंग ए से नीचे है और जी के करीब है, इसका मतलब ये है कि उतनी आपकी वो चीज़ बिजली ज़्यादा खाएगी और आपको गुड वैल्यू फॉर मनी नहीं देगी। और जितने भी ये ब्रांड्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल चीज़ें हैं, कूलर हो एसी हो, उन पे ये स्टिकर होता है, ये ख़रीदने से पहले लाजमी देख लें, आपको इसका फ़ायदा होगा। अच्छा जनाब, सुपर एशिया रूम कूलर का एक मॉडल आया है नया, जिसमें उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई है, जिसमें कि वो ऊपर उसके बोतलें रखने का सिस्टम होता है, 4 बोतलें होती हैं प्लास्टिक की, ब्लू कलर की, जिसमें आप पानी भर के फ्रीज करते हैं, वो फ्रोज़न बोतलें आप उस कूलर के ऊपर रखते हैं, बाकी नीचे उसमें पानी भरा जाता है। जब वो ऑपरेटिंग करता है तो नीचे से पंप उसका पानी ऊपर फेंकता है, और वो उन बोतलों के ज़रिए, ठंडी बोतलें होती हैं, तो वो उसमें लग के जब उसकी खसों में लगता है तो खसों को ठंडा कर देता है और आपको ठंडी हवा देता है। ये उसकी एक टेक्नोलॉजी है, बाकी उसके बहुत सारे वेरिएंट हैं, बहुत सारे मॉडल हैं, कुछ मैनुअल हैं, ऑटोमेटिक है, रिमोट वाले। कीमतों में उसके 1500 का फ़र्क है, मैं इसलिए इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर जो मेन उसमें डिफरेंस है, जो नई चीज़ सुपर एशिया ने कराई है, वो ये बोतलों वाला सिस्टम कराया है, जो कि बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। एज अ कूलर दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, और कीमतें भी इनकी मुनासिब है। लेकिन 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 दो बातें मैं हमेशा बोलता हूँ। पहली बात, एयर कूलर चाहे किसी भी कंपनी का है, वो एसी नहीं होता, वो एयर कूलर होता है। आपने उसको एयर कूलर समझ के लेना है, वो एसी नहीं है। जैसे ही आपकी हवा में नमी आएगी, मॉनसून की बारिशें होंगी, बारिशों के बाद हब्स होगी, तो आपका टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली वैसे ही गिर जाता है जहाँ भी आप रह रहे हैं, लेकिन गर्मी होगी, हवा में हब्स होगी, तो वो कूलर काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। चाहे आप उसमें बर्फ़ की वो बोतलें रखने का छोड़ें, आप चाहे ब्लॉक भी पूरा बर्फ़ का रख लेंगे, तो उसकी टेक्नोलॉजी बदल जाती है। एसी की टेक्नोलॉजी होती है हवा को अपने पास लेके, उसमें से उसका मॉइस्चर, नमी निकाल के आपको जो है सूखी हवा देना, जबकि कूलर की टेक्नोलॉजी ये होती है कि हवा के अंदर उसको आपने पानी को ऐड करके आपको ठंडी हवा देना। तो जब ऑलरेडी हवा में पानी बहुत ज़्यादा ऐड है, आप अगर और पानी ऐड करेंगे, चाहे ठंडा पानी ऐड कर दें, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको गर्मी और पसीना आएगा ही आएगा, तो ये समझ के लें। अच्छा जनाब, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं है सुपर एशिया कूलर्स की, सोलर पर भी चलता है, और रिमोट लेस दोनों मॉडल हैं, और इसकी जो कीमत है जनाब, वो शुरू होती है 16,500 रुपये से और 25,000 तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट फैन स्पीड, और तकरीबन इन सब में ही ये बोतल वाली टेक्नोलॉजी मौजूद है जो मैंने आपको बताई है। और इनका क्लेम है कि इनका जो सबसे छोटा कूलर है वो 260 वाट लेता है, या तकरीबन 1.3 एम्पेयर लेता है, और जो इनका सबसे बड़ा कूलर है वो ऑलमोस्ट 2 एम्पेयर लेता है। और जनाब, गुड फॉर ड्राई प्लेसेस, इसमें कोई शक नहीं है, ड्राई प्लेसेस के लिए बहुत अच्छा है, और 1 ईयर की इसकी वारंटी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कूलर कूलर होता है, कूलर ऐसे नहीं होता। अगर आप कूलर को कूलर समझ के लेने को तैयार हैं, या आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे हवा में नमी होती ही नहीं पूरा साल, तो ये फिर बेस्ट है आपके लिए, ये आप ले सकते हैं। अगर नहीं, तो हमारी वीडियो जाके चेक करें, हमने आप पौने टन एसी के बारे में डिटेल वीडियो बनाई है, उसे देखें, अगर आपको पसंद आती है तो वो आप ले सकते हैं। वो ऑल ओवर पाकिस्तान हर जगह काम करता है, और उसमें कुछ प्रिकॉशन ज़रूर हैं। उससे भी बेहतर फिर 1.5 टन या 1 टन का इन्वर्टर होता है जो कि सप्लिट है, पर अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पौने टन वाला एसी इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।